कर दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा गया है BSU SC दिसंबर तक 2500 पदों पर करेगा नियुक्ति, 4600 से अधिक सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी। दोस्तों, 16 अक्टूबर 2022 दैनिक जागरण अखबार में यह खबर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। दोस्तों, अखबार में किन बातों का जिक्र किया है, मैं आप सभी तेज़ी से पढ़कर बता देता हूँ। लिखा गया है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में 52 विषयों में 4600 से अधिक सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। अब तक कम पद वाले विषयों का साक्षात्कार किया गया था, लगभग 26 विषयों के लिए 300 पदों का परिणाम भी जारी हो चुका है। अब अधिक पद वाले विषयों में से एक हिंदी के सहायक प्राध्यापकों की साक्षात्कार की प्रक्रिया नवंबर के पहले सप्ताह में होगी। कहा गया कि दिसंबर तक 2 से 2500 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। हिंदी के लिए आयोग आपत्ति के लिए सूची जारी कर चुकी है। अभ्यर्थी 19 अक्टूबर तक आपत्ति को लेकर साक्ष्य जमा कराएंगे। इसके बाद आयोग की ओर से उन साक्ष्यों की जाँच करते हुए 24 अक्टूबर तक आपत्ति निराकरण के साथ ही साक्षात्कार की तिथि जारी कर दी जाएगी। इसके बाद मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान की साक्षात्कार की प्रक्रिया आरंभ होगी। तो दोस्तों, आप सभी को ध्यान में रखना है, हिंदी विषय के बाद जो है, जैसा कि अखबार के माध्यम से लिखा गया है, मनोविज्ञान विषय, दर्शन शास्त्र व पर्यावरण जो है विज्ञान की साक्षात्कार प्रक्रिया आरंभ होगी। मनोविज्ञान विषय की स्क्रूटनी प्रक्रिया भी लगभग अंतिम चरण में है। इसके बाद अर्थशास्त्र, बॉटनी, रसायन शास्त्र, अंग्रेजी आदि विषयों की साक्षात्कार की प्रक्रिया की जाएगी। आगे लिखा गया कि मानव बल व जगह की कमी से परेशानी हो रही है। आयोग के पास मानव बल व जगह की कमी को लेकर परेशानी चल रही है। आयोग को कुछ जो है मैन पावर व इंटर काउंसलिंग के पहले जो है, यहाँ पर लिखा गया है कि फ्लोर का कुछ जगह दिया गया है, इससे प्रक्रिया अब रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। रात्रि प्रहरी बने सहायक प्राध्यापक। आगे लिखा गया कि आयोग की ओर से साक्षात्कार व कटअप प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी जा रही है। इसका उदाहरण है कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में 17 वर्षों तक PG अंबेडकर विचार विभाग में चतुर्थ वर्गीय कर्मी है। डॉक्टर कमल किशोर मंडल जी भी उसी विभाग के सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए हैं। वे रात्रि प्रहरी की भी ड्यूटी करते थे। आयोग के चेयरमैन डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी ने बताया कि प्रक्रिया को पारदर्शी रखा गया है, ऐसे में योग्य अभ्यर्थी बिना किसी परेशानी के चयनित हो रहे हैं। यहाँ पर जो आयोग के चेयरमैन है, उनका स्टेटमेंट है कि आयोग त्वरित गति से नियुक्ति प्रक्रिया की कवायद कर रही है। अब तक 26 विषयों में 300 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई है। दिसंबर तक लगभग 2400 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद मार्च तक पूरे 4600 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ये प्रोफेसर राजवर्धन आजाद जी हैं, जो कि BSU SC के चेयरमैन हैं। तो दोस्तों, अब आप सभी को ध्यान रखना है कि हिंदी विषयों के बाद जो है मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, उसके बाद जो है अर्थशास्त्र, बॉटनी, रसायन शास्त्र, अंग्रेजी विषयों को जो है साक्षात्कार होगी। और मार्च तक, जैसा कि आयोग के अध्यक्ष द्वारा कहा गया है कि मार्च तक सभी नियुक्ति जो है 4600 पदों की पूरी कर ली जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।